हेलो टेंथ क्लास, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ एसए वन का सैंपल पेपर, यानी कि 2021-22 में आपके पास पेपर एसए वन का किस तरह आने वाला है, जो पेपर आपका नवंबर और दिसंबर में होगा। ये पहले से डिसाइड हो चुका है कि इस बार पेपर CBSE 2 बार करवाएगी, यानी कि SA1 SA2। SA1 आपका 40 नंबर का रहेगा और SA2 भी आपका 40 नंबर का होगा। दोनों को मिलाकर ही आपका ओवरऑल रिजल्ट बनेगा और इसी तरह आपकी मेरिट बनेगी। तो चलिए, ये पेपर आपका 90 मिनट का है, 21-22 का, और कोड रहेगा आपके लिए 002। वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखते रहिए ताकि एक आइडिया आपको मिलने वाला है कि पेपर आपका किस तरह आएगा और आपने इसे अटैम्प्ट किस तरह करना है। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी इसे जरूर शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, निर्देश जो भी आपके लिए हैं, और यहाँ से जो एक्सप्लेन, यानी कि यहाँ से आपको समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ गोले भरने हैं। ठीक है, गोले भरने हैं, नीली और काली जो पेन है उसके सहारे से। आपके पास यहाँ पर जेल पेन बिल्कुल अलाउ नहीं होगा और एक OMR शीट आएगी, यानी कि OMR शीट आती है ना पेपर में, सिर्फ उसी पेपर को आपको करना है 90 मिनट में। तो चलिए, पेपर अब आपके पास शुरू होता है और पहला आपके पास होगा खंड कामे अपठित गद्यांश। गद्यांश जो कि वर्कशीट में आपने खूब प्रैक्टिस की है इन गद्यांशों की, तो आपके गद्यांश और पद्यांश में एक भी नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखो, आपके 10 नंबर का आपके पास अपठित गद्यांश आएगा और 2 गद्यांश होंगे, यानी कि 2 गद्यांश है और उनमें से आपको कोई एक ही करना है और ये आपका होगा 5 नंबर का। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप गद्यांश को पढ़ लीजिए ताकि एक आइडिया आपको मिल जाएगा। और गद्यांश आपके पास है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी कि बाल श्रम, बाल मजदूरी के ऊपर है ये, देखिए। तो थोड़ा से पढ़ लीजिए आप चाहे तो इस वीडियो को स्लो मोशन में भी देख सकते हैं ताकि पूरा पैसेज आपको पढ़ने में आ जाएगा। और ये इस तरह से आपके पास ये पैसेज होगा और पैसेज के बाद आपके पास आएंगे थोड़ा सा बड़ा है ये, तो ध्यान रखें पैसेज को आपने हल्के में नहीं लेना है, इसमें आपको लगेगा टाइम। अब आपके पास यहाँ पर से सवाल शुरू हो जाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला सवाल है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। कैसी सोच है लोगों की बाल श्रम को, कुरीति को समाप्त कैसे करेंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल समाज सेवी संस्थाओं का दायित्व है। दूसरा है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल जनता का दायित्व है। तीसरा है, बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है, या बाल श्रम को समाप्त करना केवल अभिभावकों का दायित्व है। इनमें से चारों में से जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा उस पर आपको गोला करना है। ध्यान रखें, ये पेपर है आपके पास, एक OMR शीट आएगी और उसी OMR शीट पे आपने गोला करना है। लाइक आपको पहले सवाल का दूसरा ऑप्शन ख वाला बिल्कुल सही लग रहा है, तो OMR शीट में आपको ख को गोला करना है। ठीक है, चलिए आगे देखो, दूसरा सवाल है और इसी तरीके से आपको दूसरा सवाल मिलेगा। पहले जो पेपर आते थे उसमें आपको लिखना होता था, यानी कि पहले का क लिख दिया, दूसरे का घ लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना नहीं है बल्कि गोला करना है। ठीक है, अब आप देखो, यहाँ पर दूसरा सवाल है और इसी तरीके से दूसरे सवाल के भी 4 ऑप्शन है। घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं, आखिर हम एक्शन क्यों नहीं लेते। हम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, हम जागरूक बनना नहीं चाहते, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते, या हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। करेक्ट आंसर को आपको गोला करना है। और इसी तरीके से आपके पास तीसरा सवाल होगा, आप इसे स्लो स्लो करके इसे पढ़ भी सकते हैं। और उसके बाद आएगा आपके पास चौथा सवाल, और चौथा सवाल इसके भी 4 ऑप्शन है, और पांचवा सवाल, इस तरह से आपके पास 5 सवाल होंगे। आप चाहें तो पहले वाले को कर लीजिए, अगर आपको लगता पहले वाला थोड़ा सा टफ है तो आपके पास दूसरा भी, आपके गद्यांश है,
पैसेज है तो ऊपर वाला करें या ये वाला करें, और इसे भी थोड़ा सा आप यहाँ से धीरे धीरे से इसे पढ़ लीजिए ताकि आप इसको पढ़ कर के समझ सको और जो भी सवाल है इसके बाद उनका आंसर आप दे सको। तो ये इस तरह से पैसेज है, और पैसेज को आपने हल्के में नहीं लेना है क्योंकि ये बड़ा पैसेज है, और ये पैसेज महिला सशक्तिकरण के ऊपर है, यानी कि महिलाओं को किस तरह में स्ट्रॉन्ग बनाना है, महिलाओं के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है। तो पहला सवाल आ गया, गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। पहला सवाल है, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, वे आत्मनिर्भर थी। तीसरा है, वे अपने निर्णय लेने में सक्षम थी। या चौथा, वे शिक्षित थी। तो क्यों सशक्तिकरण की आवश्यकता पड़ी? तो आई थिंक आपको इसका आंसर आ गया होगा। यहाँ पर भी आपको गोला करना है। और अब चलते हैं इसके दूसरे सवाल की तरफ, जो कि कुछ इस तरीके का है, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, लोगों की सोच कैसे हम बदल सकते हैं ग्रामीणों की। और यहाँ पर भी चार ऑप्शन हैं, गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे आप, सड़कें बनवाना, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध करना, या शिक्षा का प्रचार करना। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? तो मुझे भी आप कमेंट करके अपने आंसर भी बताते रहिए ताकि मुझे ये लगे कि आपने पैसेज को भी ध्यान से समझा पढ़ा और आप सवालों को भी ध्यान से कर रहे हैं। तो ये आपके पास एक तरह से प्रैक्टिस है ताकि आप एग्ज़ाम में तुरंत जाओ तो आपको घबराहट ना हो। चलिए तीसरा सवाल है, अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, यह समाज की किस सोच का परिणाम है? पुरातन, सकारात्मक, नकारात्मक या संकीर्ण। चार ऑप्शन है, चारों में से एक को गोला करेंगे। अगला सवाल है चौथा, महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया? महिला सशक्तिकरण के बाद परिवार की जो आर्थिक है वो स्थिति कैसी हुई? वित्तीय निर्भरता समाप्त हो गई, आर्थिक स्थिति में दुर्बलता, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता, या वित्तीय ऋण से मुक्ति। चार ऑप्शन, चारों में से कौन सा सही होगा? अगला सवाल है, आप चाहो तो मैं इसके आंसर वाली वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और इस तरीके से पांचवा सवाल है, और इस तरह आपके पास जो पांच सवाल हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब देखो यहाँ पर काव्यांश है, यानी कि कविता है, और कविता भी आपके पास दो हैं, दो में से आपको कोई एक करना है, और ये कविता आपके पास पाँच नंबर का, ठीक है। अब आप यहाँ पर कविता पढ़ सकते हैं, देश के आज़ाद होने पर बिता लंबी अवधि, अब असह्य इस दर्द से है धमनियाँ फटने लगी, व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए हो गया हूँ और जर्जर बोझ ढोकर थक गया, अब मरूंगा तो जलाने के लिए मुझको अरे दो लकड़ियां भी नहीं होगी सुलभ इन जंगलों से। तो इस तरह से कविता को आप पढ़ सकते हैं, और ये पीड़ा इसमें दिखाई गई है, एक पीड़ा। और अगला जो यहाँ पर सवाल हमारा शुरू होता है, पहला, अब असह्य इस दर्द से मैं असह्य दर्द का क्या कारण है? चार ऑप्शन है, आज़ादी के बाद लंबी अवधि बिता देना, खेतों में कड़ी मेहनत करना, वनों का ना रहना, या जर्जर हो जाना। चार ऑप्शन, चारों में से एक सही है। इसी तरीके से आपके पास ये दूसरा सवाल, दूसरे सवाल के बाद आपका तीसरा सवाल है, और इसी तरीके से आपके पास पांच सवाल आते हैं। आप इन्हें धीरे धीरे देखते रहिए, मैं इसे थोड़ा सा स्पीडली ले जा रहा हूँ, बट आप इसको जहाँ पर आपको सवाल देखना वहाँ पर रोकिए, वीडियो को रोकिए ताकि आप सवाल को पूरा समझ सको। तो चलिए अगला जो सवाल है वो आपके पास एक कविता है, और ये है अथवा, यानी कि या तो आप पहले वाला करो या बाद वाला करो, आपकी आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो ये एक माँ और बेटी का प्रेम यहाँ पर दिखाया गया है, और आप इस कविता को पढ़ें समझें, और कविता के बाद अब आ जाते हैं हमारे पास सवाल, प्रश्न आ जाते हैं। और पहला सवाल, काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवयित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया।
सहेली के रूप में, अपनी बिटिया के रूप में, बचपन की मधुर स्मृति के रूप में, या माँ के रूप में। तो किस रूप में पाया, आप यहाँ पर उसका आंसर लिखोगे इस तरह से। दूसरा सवाल, तीसरा, चौथा और ये पांचवा सवाल। ध्यान रखें, सवाल आपके छोटे छोटे नहीं हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। तो चलिए, उसके बाद आपके पास है तक ग्रामर। और अब ग्रामर के आप देखो, यहाँ पर ग्रामर के भी आपके पास MCQ हैं, और ग्रामर आपके पास 16 नंबर का होगा। 16 नंबर बहुत होते हैं, चार चार नंबर के आपके पास ग्रामर के चार पार्ट होंगे, चार चार नंबर के सारे होंगे। तो यहाँ पर देखो, पांच सवाल हैं, हर एक पार्ट में पांच सवाल हैं, पांच में से आपको चार ही करने हैं। देखो, निर्देशानुसार किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपके पास ग्रामर टाइम यहाँ से शुरू हो जाता है। बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। सरल, मिश्रित, संयुक्त, साधारण। तो प्यारे बच्चों, जरूरी जानकारी आपके लिए, ग्रामर का कोई भी टॉपिक आपको समझना हो तो हमारे चैनल पे आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, आप देख और समझ सकते हैं। हालांकि मैं बहुत जल्दी आपके लिए लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ, बोर्ड रखा हुआ, बस इसको प्रॉपर हमने दीवार पे लगाना है, तो आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और ग्रामर को मैं आपको प्रॉपर जो है टॉपिक आपको समझाऊंगा। और इसी तरह दूसरा सवाल आपके पास, ये सेंटेंस से रिलेटेड है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। और ये तीसरा सवाल, एक एक चार चार करके यहाँ पर सवाल दिख रहे हैं, तो आप जैसे इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, आप चाहे तो वीडियो को रोक भी सकते हैं। ये चौथा सवाल आ गया। अब यहाँ पे देखो, वह पुस्तक कहाँ थी जो कल खरीदी थी, रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना, जो कल खरीदी थी, ये सेंटेंस आपका किस टाइप का है। और ये आपका पाँचवा सवाल है। तो एक एक सवाल को मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर सरका रहा हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देखो समझ ले। अब जो अगला जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा, ये भी चार नंबर का, इसमें भी पांच सवाल हैं और आपको चार ही कोई करने हैं। अब देखो, निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए। अब देखो, ये वाच्य आ गए, वाच्य भेद और वाच्य परिवर्तन। इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, और ये कर्त्री है, कर्म है, भाव है या कर्णवाच्य है, तो चार ऑप्शन है। हालदार साहब ने पान खाया, उपयुक्त वाक्य का कर्मवाच्य में बदलिए। तो आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट हमारे चैनल पे, साथ में वाच्य की पहचान कैसे करेंगे, वाक्य बदलेंगे कैसे, पूरा एक्सप्लेन है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, आप सभी जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखो अगला, और भाववाच्य में आपने इसे बदलना है। चौथा सवाल को कर्तृवाच्य छांटना है, चार ऑप्शन है, चारों में से कर्तृवाच्य आपको छांटना है। और इसी तरीके से पांचवा आपका रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है। चार सवाल है, चारों में से कोई एक भाववाच्य है तो वो आपने यहाँ पर छांटना है। अगला सवाल है, और ये रहेगा आपके पास पद परिचय। बच्चों को काफ़ी टफ लगता है पद परिचय, लेकिन मैं कहता हूँ कि इतना आसान है पद परिचय, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दे दिया तो बड़ा आसान ये टॉपिक बन जाता है, और चार में से चार बच्चे लेके आते हैं। तो प्यारे बच्चों, 50 में से 49 नहीं होने चाहिए, 50 के 50 आपके मार्क्स आने चाहिए। और ये आपके पास चार ऑप्शन है, हम कल दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ पर जो दिल्ली वर्ड है इसका आपने पद परिचय करना है। तो दिल्ली, इनमें से चार ऑप्शन है, चारों में से आपको सही छांटना है। और ये दूसरा सवाल है, यहाँ पर यह जो यह शब्द है उसका आपने परिचय करना है। और उसके बाद एक यहाँ पर अचानक, अचानक शब्द का आपको पद परिचय करना है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। और उसके बाद रहेगा आपके पास वाह, जो वाह शब्द है उसका आपने पद परिचय करना है, चार ऑप्शन है, चारों में से एक को टिक करेंगे। चलिए, उसके बाद देखो यहाँ पर पांचवा सवाल, तुमने का आपको पद परिचय करना है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमारे पास कुछ सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो आप चाहो तो मैं आपके लिए सैटरडे संडे की प्लानिंग कर दूंगा, कोई ग्रामर का टॉपिक, आपको कौन सा टॉपिक आपको समझना है लाइव, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। साथ ही आपको लाइव कौन से दिन पढ़ाऊँ मैं, वो भी आप मुझे बता देना, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग लाइव क्लास का जो शेड्यूल है वो सेट कर दूंगा। तो अगला है,
एक और मिज गरई लखी अज गरई लखी एक और मृग राय विकल बटो ही बीच ही परो मूर्छा काय। इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस है इस पंक्ति में। चार ऑप्शन है और चारों में से कोई एक रस है। उत्साह रस का स्थायी भाव बताना है। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन को क्षोभ से जलने लगे, इसमें आपको रस बताना है। और चौथा सवाल है विवाह अनुभव संचारी भावों की सहायता से क्या रस रूप में बदलता है। तो इनमें से चार ऑप्शन है, चारों में से सही लिखना है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ गया ग में। अब आपके पास ये पठित जो चैप्टर है नेताजी का चश्मा पार्ट से, ये आपका गद्यांश है और इसमें से आपको आंसर छाटने हैं। ये आपके पास 14 नंबर का और ये जो गद्यांश है 5 नंबर का रहेगा। तो इसे भी आप थोड़ा सा गद्यांश को देख लीजिए, समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करिए ऊपर। और उसके बाद पहला सवाल आ जाता है, प्रस्तुत गद्यांश में देशभक्त किसे कहा है। चलिए थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। हालदार साहब को, कैप्टन चश्मे वाले को, सामान्य आदमी को या लेखक को, किसको कहा है गद्यांश में देशभक्त। पान वाले की कौन सी बात हालदार साहब को अच्छी नहीं लगी। मूर्ति बनाने वाले का अपमान, हालदार साहब पर हंसना, मूर्तिकार के कार्य पर टीका टिप्पणी या एक देशभक्त का मजाक उड़ाना। चलिए कौन सा सवाल आपके लिए, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। चश्मे वाला एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस क्यों टिका रहा था। उसकी अपनी कोई दुकान नहीं थी, उसे किसी से बात करनी थी, यह दुकान बाजार के बीचों बीच थी या वह उसके जानकार की दुकान थी जिसके आगे उसने अपनी जो उसका है फेरी वो लगाया था। चौथा है, हालदार साहब पान वाले से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में क्या पूछना चाहते थे। चश्मे वाला फेरी क्यों लगाता है, वह चश्मे कब से बेच रहा था, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं या वह कहाँ रहता है। अगला सवाल है, हालदार साहब किस कारण कैप्टन के बारे में और जानकारी प्राप्त नहीं कर सके, क्या रीजन था। प्यारे बच्चों, अगर आपको इसके आंसर समझ में आ रहे हैं साथ साथ में तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको सवाल पढ़ते ही आंसर उसका आ रहा था। और अगर आपको चैप्टर समझना हो तो वीडियो में आपको हमारे चैनल पे सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। चैप्टर की भी कंप्लीट एक्सप्लेन वीडियो मैंने बनाई है। और अगला सवाल है बाल गोविंद भगत कहाँ से आ गया यहाँ पर। ये सवाल आ गए आपके। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखना है, यानी कि उसमें भी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पे देखो, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत का आखिरी निर्णय क्या था। पतोहू का पुनर्विवाह, पतोहू को शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना या पतोहू से घृणा करना। लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जीव बाल गोविंद भगत की किस वेशभूषा पर अत्यधिक मुग्ध थे। पहनावे पर, व्यवहार पर, मधुन गान पर या कार्य कुशलता पर। अब यहाँ पर आ जाता है आपके पास राम लक्ष्मण परिश्रम संवाद, यानी कि कविता है आपके पास दूसरी कविता, इसको पढ़ करके आपको आंसर देने हैं। अब ये आंसर आपके पास आ जाते हैं, परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा। अगर आपने हमारी ये वाली वीडियो देखी हो तो आपको आंसर इसके आराम से आ जाएंगे। तो चलिए प्रैक्टिस ट्राई कर लेते हैं कि आपने वीडियो कितनी देखी, कितनी समझी। परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए राम ने उनसे क्या कहा। धनुष तोड़ने वाला कोई राजकुमार है, धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक है, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई मित्र होगा या धनुष अपने आप टूट गया, क्या था चारों में से। आ रहा आंसर आपको। दूसरा सवाल है, स्वयंवर में जो धनुष टूट गया था वह किसका धनुष था, राजा जनक का, राम का, विष्णु जी का या परशुराम जी के आराध्य यानी कि गुरु देव शिव जी का, किसका धनुष था। तीसरा सवाल है, शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए। चार ऑप्शन है आपके पास, थोड़ा सा इन्हें स्क्रीन में देख लीजिए, लंबा वीडियो न बने इसलिए थोड़ा सा इसे जल्दी जल्दी करते हैं। चौथा सवाल, भृगुकुल केतु किसे कहा गया है।
सुनी रिसाए कहे भृगु कुल के तू। अगर आपने ये वीडियो चैप्टर कम्प्लीटली देखा होगा तो आपको इसका आंसर भी आ जाएगा। चौथा पांचवा सवाल, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से किए, किस शत्रु से? कर्ण, सहस्त्रभाव, घटोत्कच, दुर्योधन? अच्छे से आपको इसका आंसर आ रहा होगा। और दसवां सवाल है, काव्य खंड से आंसर है, सवाल है, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने या उद्धव ने? राजनीति किसने पढ़ ली? चौथा दूसरा सवाल है, सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग्य कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा? व्यंग्य किस में भाग्यशाली, किसे का? कृष्ण को, उद्धव को, सूरदास को या स्वयं को? तो ये है आज की आपकी, आपका जो पूरा कंप्लीट, यानी कि जो टोटल 40 नंबर का आपका पेपर आएगा वो सारा का सारा आपके पास MCQ ही रहेगा। तो कैसे लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए, कितने सवाल आपको इसमें से आ रहे थे, यानी कि यही पेपर अगर आपका आ जाता है तो आपके कितने मार्क्स बनेंगे, मुझे कमेंट करके अपने मार्क्स ज़रूर बताइए। और हाँ, ऑनलाइन क्लास ग्रामर टॉपिक का शेड्यूल कौन से डेट को सही रहेगा और कौन सा टॉपिक आपको समझना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और लाइव सेशन वही बच्चा अटेंड कर पाएगा जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल प्रेस किया है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप हमारी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो नई अपडेट के साथ नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।